हेलो एवरीवन, आई एम एकता राठौर फ्रॉम नोबल स्कॉलर एकेडमी एंड इन दिस वीडियो वी डिस्कस द इंग्लिश ग्रामर टॉपिक ऑफ मॉडल्स. सो वी विल कवर व्हाट आर मॉडल्स, इंग्लिश लैंग्वेज में कौन कौन से मॉडल्स हैं एंड वी विल डिस्कस सम एग्जांपल्स एंड टेंसेस ऑफ मॉडल्स. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर मॉडल्स इन इंग्लिश ग्रामर? मॉडल्स इज अ वर्ब दैट कंबाइन विद अनदर वर्ब टू इंडिकेट मूड और टेंस. A model, also known as the model auxiliary or model verb, express necessity, uncertainty, ability and permission. अब ये जो model हैं, basically ये एक verb हैं. It is a type of a helping verb. तो हमारे sentence में verb से पहले model use होता है अगर हम necessity, uncertainty या ability और permission में से कुछ indicate करना चाहते हैं तो. नेसेसिटी मीन्स ज़रूरत, यानी कि कंपल्शन. अनसर्टिनिटी मीन्स डाउट, अगर आपको किसी चीज़ का डाउट है. एंड एबिलिटी मीन्स अगर कोई कुछ कर सकता है उसकी एबिलिटी. अगर कोई परमिशन लेनी है तो वी यूज़ अ हेल्पिंग वर्ब बिफोर वर्ब विच इज़ स्टिल कॉल्ड मॉडल वर्ब. तो हम वर्ब से पहले एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं जिसे मॉडल वर्ब भी कहा जाता है. अब इंग्लिश ग्रामर में बेसिकली 9 प्योर या कोर मॉडल हैं. वो हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड. हम एक एक करके इन सबको डिस्कस करेंगे कि इनका क्या यूजेस है और कुछ एग्जांपल सेंटेंसेस भी देखेंगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद कैन. तो सबसे पहले हम कैन के बारे में डिस्कस करेंगे. तो कैन कब यूज़ होता है? टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, जब हम कहना चाहते हैं कि कुछ हो सकता है. इट कैन बी डन, लाइक ही कैन सॉल्व दिस सम इन एनी इनेट एबिलिटी. अगर कोई बॉर्न एबिलिटी है किसी की, परमिशन एबिलिटी मीन्स अगर किसी चीज़ की परमिशन लेनी है या फिर कोई पॉसिबल सर्कमस्टांसेस हैं, अगर कोई चीज़ हो सकती है तब हम क्या करेंगे, कैन का यूज करेंगे. लेट्स सी एग्जाम्पल्स देखते हैं. She can go to the market means ability है कि वो market जा सकती है, उसमें इतनी ability कि वो market जा सकती है. You can go home now. Here we gave permission कि तुम घर जा सकते हो. It can happen to anyone. Here is show possibility कि किसी को साथ कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ कुछ भी accidents, incident हो सकता है. If she likes, she can read too. यानी कि उसे परमिशन दे दी है कि वो भी पढ़ सकती है. कैन यू ओपन द डोर प्लीज़, यहाँ आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप वो आपकी हेल्प कर दे डोर को ओपन करने में. आई कैन हेयर पीपल टॉकिंग. हेयर द एबिलिटी शो, यहाँ पे भी एबिलिटी शो हो रही है कि आप लोगों की बात सुन सकते हो. कैन यू पिकअप दिस हैवी लॉक्स. हेयर यू अगेन रिक्वेस्ट समवन टू हेल्प यू, कि आप अगेन किसी से हेल्प के बारे में रिक्वेस्ट कर रहे हो. जॉन कैन ईट अ लोड. हेयर शो द एबिलिटी, यहाँ एबिलिटी शो हो रही है कि जॉन बहुत खा सकते हैं. सो हेयर आर सम एग्जांपल सेंटेंसेस वेयर वी यूज कैन, कि ये जो कुछ सेंटेंसेस थे जिसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कैन यूज कर सकते हैं. एंड यू सी ऑल सेंटेंसेस देन कैन के बाद जो वर्ड्स आ रहे हैं वो वर्ब हैं. वर्ब कौन से फॉर्म में यूज़ होता है? मॉडल्स में क्या होता है कि जो वर्ब होती है, मॉडल के बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा बेस फॉर्म में होती है. आप कह सकते हो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है. जब हम मॉडल के साथ उसे यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक इस सीधे एग्जांपल्स, हेयर द गो, सेकंड सेंटेंस में गो, हैपन, रीड, ओपन, हेयर, पिक एंड ईट, all are verbs first form या base form. let's discuss could. अब हम could के बारे में discuss करते हैं. when could is used, could कब use होता है, कि कब could का use किया जाता है. could is used as the past form of can, कि जो could है वो can की past form के रूप में use होता है. when we express any condition we use could, जब हमें कोई कंडीशन एक्सप्रेस करनी है तब भी हम कुड का यूज़ कर सकते हैं. एंड पॉसिबल सर्कमस्टांसेस शो करने के लिए भी हम कुड का यूज़ किया जाता है. व्हेन वी से दैट इज़ पॉसिबल और
एनीथिंग एल्स हैपन, कि जब हम कहते हैं कि कुछ होने वाला है या कुछ पॉसिबिलिटी शो हो रही है, तब भी हम क्या करते हैं, पास्ट फॉर्म के रूप में कुड का यूज़ करते हैं। इट कुड हैपन, अगर हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तब भी हम क्या करते हैं, कुड का यूज़ करते हैं। गेट मी ए ग्लास ऑफ, कुड यू गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कि आप मुझे एक ग्लास ऑफ वाटर दे सकते हो क्या। इस तरीके से हम, लेट सी द सम एग्जाम्पल्स ऑफ कुड। I could lift this box if I tried. Here we use past form of can. And हम कहते हैं कि अगर मैं try करता तो मैं box को उठा सकता था। I could buy a shirt if I had money. मेरे पास money होती तो मैं shirt को क्या कर सकता था, खरीद कर सकता था। Here again possibility show. How could you eat this cake along with other things? और यहाँ पे ये शो हो रहा है कि तुम्हारे अंदर कितनी एबिलिटी है कि तुम केक बाकी चीज़ों के साथ केक भी खा सकते हो। ये पास्ट एबिलिटी को शो कर रहा है। हियर द पास्ट शो द पास्ट एबिलिटी। कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, दिस इज पोलाइट रिक्वेस्ट। वन ऑफ द प्रिजनर हु एस्केप्ड यस्टरडे कुड बी हाइडिंग एनीवेयर नाउ, दिस इज़ यूज फॉर शो एबिलिटी। तो ये क्या कर रहा है, एबिलिटी को शो कर रहा है। आई कुड बी इन द USA बाई नेक्स्ट ईयर। हेयर द कुड यूज फॉर शो फ्यूचर पॉसिबिलिटी, यहाँ पे जो कुड है वो फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया गया है। ही सेड दैट आई कुड गो, इन द सेंटेंस जो कुड यूज़ किया गया है वो परमिशन के लिए किया गया है कि मैं जा सकता हूँ। He could come to me anything he liked. Again, this used as a past form of can. Here you see in all sentences, main verb is used in base form along with the modal verb like lift, buy, eat, bring, be, go, come. These are main verbs and this is the base form of verb. Next model is may. Let's discuss the may. May express possibility in term of possible circumstances or permissibility in expressing possible circumstances. May can have future as well as present reference. So may is used for possibility and फॉर गिविंग परमिशन। तो मे यूज़ होता है परमिशन देने के लिए या पॉसिबिलिटी शो करने के लिए कि ऐसा हो सकता है। वैन वी शो पॉसिबिलिटी दैट इज़ फ्यूचर एज वेल एज प्रेजेंट, तो ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटी भी शो करता है और साथ ही में क्या करता है, प्रेजेंट की शो की जो पॉसिबिलिटी उसको भी शो कर सकता है। लेट्स सी सम एग्जाम्पल सेंटेंसेज ऑफ मे। You may go now. May I come in, sir? This statement may be true. His plan may succeed. May you live long. May our country prosper. I may go to England next year. I may eat after 10 minutes. इन सब सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं कि वर्ब का बेस फॉर्म यूज हुआ है। हियर इन द फर्स्ट सेंटेंस मे यूज फॉर गिविंग परमिशन, इन सेकंड सेंटेंस आल्सो टेकिंग परमिशन, कि फर्स्ट सेंटेंस में तो परमिशन दे रहा है और सेकंड सेंटेंस में परमिशन मांग रहा है। इन थर्ड सेंटेंस पॉसिबिलिटी एंड आल्सो फोर्थ सेंटेंस इज पॉसिबिलिटी, कि थर्ड एंड फोर्थ सेंटेंस में पॉसिबिलिटी शो हो रही है कि ऐसा हो सकता है। एंड फिफ्थ सेंटेंस में मे यू लिव लॉन्ग में आप कह सकते हो कि पॉसिबिलिटी शो कर रही है। एंड सिक्स सेंटेंस में ऑल्सो शो पॉसिबिलिटी, एंड सेवन्थ में भी पॉसिबिलिटी, एंड एट्थ में आई मे ईट आफ्टर 10 मिनट्स अगेन देर इज़ ऑल्सो शो पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पर मोस्टली सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी शो रही है कि हम फ्यूचर में ये सब करेंगे। द नेक्स्ट मॉडल इज माइट। माइट इज़ यूज as a synonym for may when expressing possible circumstances. आप may की जगह might भी use कर सकते हैं जब आप possibility indicate करना चाहते हैं। That it is sometimes said that might express a greater degree of doubt than may. तो जब possibility में success का rate कम होता है तो might का use कर सकते हैं।
एंड व्हेन द रेट ऑफ सक्सेस इज हाई इन पॉसिबिलिटी वी यूज मे, जब मतलब ऐसा लगता है कि ये पॉसिबिलिटी बहुत कम चांसेस है कि होगा तो हम माइट का यूज़ करेंगे, और जब हमें लगता है कि मे बी ऐसा होने वाला है मतलब हमें चांसेस ज़्यादा लगते हैं तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, मे का यूज़ करेंगे, और कम चांसेस में हम माइट का यूज़ करेंगे। फॉर यूजेस ऑफ माइट इन कंडीशनल सेंटेंस एंड एज अ पास्ट एक्विवेलेंट टू मी इन सच कॉन्टेक्स्ट एज इनडायरेक्ट स्पीच, तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बात करते हैं तब हम मे को माइट में कन्वर्ट कर देते हैं, और कंडीशनल सेंटेंस में भी हम मे की जगह माइट में कन्वर्ट कर देते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ माइट। ही सेड दैट ही माइट कॉक टुमारो। अब अगर हम इस सेंटेंस को डायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करें तो ये सेंटेंस बन जाएगा ही सेड इन्वर्टेड कोमा आई मे गो टुमारो। तो अब हमने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया तो हमने मे को माइट बना दिया। ही सेड दैट ही माइट गो टुमारो। जब हमने पास जब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो मे को माइट बना दिया जाता है। सेकंड सेंटेंस आई थॉट दैट ही माइट हेल्प हर। हियर द पॉसिबिलिटी रेट इज लो सो माइट इज यूज्ड। ही माइट नॉट पास दिस ईयर। दिस इज अ डाउटफुल सिचुएशन सो वी यूज्ड हियर माइट। ही रीच हेयर बाई दिस इवनिंग। अगेन डाउट है पॉसिबिलिटी में तो हमने माइट का यूज़ किया है। इफ़ यू विश यू माइट डू मी अ फेवर। यह डाउटफुल सिचुएशन है तो मे भी यूज़ हो सकता है और माइट भी, कि वो शायद मेरी क्या करे, मेरा फेवर करेगा, मेरी सपोर्ट करेगा। ही माइट नॉट ईट डिनर। अगेन डाउटफुल सिचुएशन है। जॉन माइट नॉट लाइक द क्लोथ्स। सेम हियर डाउटफुल सिचुएशन। हेनरी माइट प्ले द मैच टुमारो। अगेन हियर अ पॉसिबिलिटी एंड देयर इज़ अ डाउट। यहाँ पर भी मे और माइट दोनों में से कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट मोडल इज मस्ट। मस्ट एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी। इट कैन ऑल्सो एक्सप्रेस अ कॉन्फिडेंस अजम्पशन। मस्ट यूज़ होता है जब हमें कोई ऑब्लिगेशन होता है या कोई किसी ड्यूटी की बात करते हैं या फिर किसी कोई चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कंपलसरी करना है तब हम मस्ट यूज़ करते हैं। और अगर कोई कॉन्फिडेंट अजम्पशन यानी कि हम कोई ऐसी चीज़ जो अज्यूम कर रहे हैं जब हमें कॉन्फिडेंट है कि बट 100% श्योर नहीं होते तब हम मस्ट का यूज़ करते हैं कि ये चीज़ होने वाली है लेकिन 100% श्योर नहीं है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ मस्ट। यू मस्ट कंसल्ट सम गुड डॉक्टर। अब हम किसी को सजेशन दे रहे हैं द सजेशन शो। इसमें बहुत कॉन्फिडेंट है कि उसे एक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए तब हम मस्ट का यूज़ कर रहे हैं। यू मस्ट वर्क हार्ड दिस ईयर। हियर ऑल्सो गिव सजेशन एंड वी 100% कन्फर्म अबाउट दिस। यू मस्ट बी बैक बाय द इवनिंग। हियर इज नेसेसिटी कंपल्सरी कि तुम्हें इवनिंग तक आना है। सो वी यूज मस्ट। द चाइल्ड मस्ट बी हंग्री। हियर यू 100% श्योर दैट द चाइल्ड इज हंग्री कि पक्का आपको लग रहा है कि बच्चा क्या है भूखा है तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे मस्ट का यूज़ करेंगे। ही मस्ट हैव मेड सम बिग मिस्टेक। यहाँ भी आप 100% के लगभग श्योर हैं कि उसने मिस्टेक की होगी इसीलिए यहाँ मस्ट का यूज़ हुआ है कि उसे श्योरली क्या मिलेगी पनिशमेंट मिलेगी या उसने पक्का उसने क्या की है मिस्टेक की है। यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड। यू मस्ट क्लियर ऑल बिल बिफोर लिविंग कि आप छोड़ने से पहले क्या करोगे सारे बिल्स को क्या करोगे क्लियर करोगे। कंपल्शन है कि आपको बिल पे करके ही जाना पड़ेगा। नेक्स्ट मॉडल इज शैल। वैसे तो शैल फ्यूचर टेंस में यूज होता है एंड इंग्लिश में शैल का यूज़ बहुत रेयरली होता है। एक्सेप्ट फर्स्ट पर्सन जब यूज़ किया जाता है जब फर्स्ट पर्सन जब हम कोई कन्फर्मेशन शो करना चाहते हैं या फिर किसी एडवाइस मांगते हैं सजेशन मांगते हैं तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं शैल का यूज़ करते हैं। जब हम फर्स्ट पर्सन में कोई सेंटेंस बनाते हैं यानी कि जब हमारी अपनी बात करते हैं
तब हम शैल का यूज़ कर सकते हैं। जनरली फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है एडवाइस लेने के लिए, कंफर्मेशन के लिए और सजेशन के लिए। लेट्स सी सम एग्जांपल सेंटेंसेस ऑफ शैल। आई शैल फिनिश माय वर्क 1 आवर। कि हियर यू आर कन्फर्म्ड, आप यहाँ पे कन्फर्म हो कि आप क्या कर रहे हो कि मैं अपना वर्क कंप्लीट कर दूंगा। कितने टाइमिंग में? 1 आवर में फिनिश कर दूंगा अपना वर्क। तो यहाँ पे कंफर्मेशन शो हो रही है, इसीलिए हमने शैल का यूज़ किया है। वी शैल नॉट बी एबल टू कम, हम नहीं आ पाएंगे। हियर द फ्यूचर टेंस, यहाँ पे फ्यूचर टेंस के बारे में शो हो रहा है। सो वी यूज़ शैल। दे शैल नॉट गो टू द मार्केट, ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है कि फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो हमेशा यूज़ किया है। फर्स्ट पर्सन नहीं है तो भी हमने ये किया है, क्योंकि कभी कभी शैल का यूज़ थर्ड पर्सन में भी यूज़ किया जाता है, बट बहुत रेयर कंडीशन होती है कि शैल का यूज़ थर्ड पर्सन के साथ या सेकंड पर्सन के साथ यूज़ हो जाता है, लेकिन रेयरली कंडीशंस में होता है। मोस्टली कंडीशंस में फर्स्ट पर्सन जो आई और वी होते हैं उन्हीं के साथ क्या किया जाता है, शैल का यूज़ किया जाता है। वी शैल ओपन द डोर अगेन, दिस इज वी शैल ओपन द डोर अगेन इन द सेंटेंस फ्यूचर टेंस। आप किसी भी चीज़ को कंफर्मेशन दे रही हैं कि आप गेट खोल लेंगे, इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, शैल का यूज़ होगा। आई शैल ईट माई फूड अगेन, दिस इज़ ऑल्सो फ्यूचर टेंस। वी आर गिविंग अ कन्फर्मेशन हियर दैट आई विल डू दिस थिंग, कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये काम कर सकता हूँ, ये चीज़ खा सकता खा लूँगा। दे शैल रीड बुक इन द लाइब्रेरी, आई शैल गो टू स्कूल, ये भी कन्फर्मेशन है कि मैं बुक लाइब्रेरी में बुक रीड करूँगा और मैं स्कूल जाऊँगा, ये भी कन्फर्मेशन है कि मैं ऐसा करूँगा। वी शैल डू सम चैरिटी वर्क, दिस इज़ ऑल्सो कन्फर्मेशन फॉर फ्यूचर अगेन। द वर्क इज़ यूज एज अ बेस फॉर्म, तो जब भी आप मॉडल्स यूज़ करेंगे, मॉडल वर्क के साथ मेन वर्क जो यूज़ होगी वो बेस फॉर्म में होगी, मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नेक्स्ट मॉडल इज विल, विल इज अ टेंस मेक मार्कर, इट इज़ एक्सप्रेस टू फ्यूचर, ये फ्यूचरिटी के लिए एक्सप्रेस होता है। यूज़ ऑफ विल इंडिकेट विलिंगनेस और डिटर्मिनेशन, कि यहाँ पर विलिंगनेस और डिटर्मिनेशन होता है। तो विल कब यूज़ होता है, जब हम विलिंगनेस शो करते हैं, करना चाहते हैं, या कोई दृढ़ निश्चय, मतलब ग्रिट, कोई चीज़ फाइनल डिसीजन कर लेते हैं कि ये हम करके ही रहेंगे, तब क्या होता है, वो डिटर्मिनेशन होता है। और जहाँ डिटर्मिनेशन होता है सेंटेंस में, वहाँ किस चीज़ का यूज होता है, विल का यूज होता है। लेट्स सी द एग्जांपल सेंटेंसेस ऑफ विल। आई विल रिटर्न योर मनी ऑन टाइम, कि मैं तुम्हारी जो मनी है तुम्हें टाइम पर वापस कर दूँगा। यू विल नॉट विदड्रॉ फ्रॉम द कॉन्टेस्ट, कि तुम क्या नहीं करोगे, अपना नाम वापस नहीं लोगे, कहाँ से, कॉन्टेस्ट से वापस नहीं लोगे। यू विल बी पनिश्ड फॉर योर मिसकंडक्ट, ये जो चीज़ है ये शो करती है तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, किस लिए, कि तुमने कुछ ना कुछ मिस्टेक की होगी, तभी ये श्योरिटी को शो कर रही है कि तुम्हें पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। यू विल नॉट लिव इन द दिस हाउस एनी लॉन्गर, तुम इस हाउस में अब नहीं रह सकते। विल यू गो टू द मार्केट टूडे, हियर यू आस्क एनी वन टू वट इज़ हिज प्लान फॉर टूडे, कि आप पूछ रहे हो कि आज आपका प्लान क्या है, क्या आप मार्केट जाओगे। यू विल हैव टू वैकेट द रूम, तुम्हें रूम खाली करना पड़ेगा। वैकेट का मतलब क्या होता है, खाली करना। यू विल नीड टू विजिट डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये भी एक शो कर रहा है कि उसकी तबीयत खराब है, तभी मस्ट का यूज़ किया गया है कि तुम्हें जाना ही चाहिए, क्योंकि तुम्हारी क्या है जो कंडीशन है वो सही नहीं है। यू विल बी रीचिंग इन द इवनिंग, वह शाम तक आ जाए। So here in all sentences will is used for willingness and
फॉर डिटर्मिनेशन की जितने भी सेंटेंसेज हैं उनमें जो विल का यूज़ किया गया है या तो डिटर्मिनेशन के लिए किया गया है या विलिंगनेस के लिए कि उसकी इच्छा को शो करने के लिए कि वो ऐसा करेगा. नेक्स्ट मॉरल इज वुड. वुड इज यूज इन सम कंडीशनल सेंटेंसेस एक्सप्रेशन ऑफ पोलाइटनेस एज अ टेंस मार्कर. वुड इज यूज फॉर एक्सप्रेशन और हैबिचुअल एस्पेक्ट इन पास्ट टाइम. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू. फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी दैट वुड इज यूज फॉर कंडीशनल सेंटेंस कि वुड कंडीशनल सेंटेंस के लिए यूज होता है. अगर कोई कंडीशन रखी जाए तब हम कह सकते हैं इफ दिस हैपन आई वुड डू दिस. एंड पोलाइटनेस के लिए कि मैं ये कर सकता हूँ अगर ऐसा होता है तो इस सिचुएशन में कंडीशन रखेगी कि तुम अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा. तो इस तरह की कंडीशन में किस चीज़ का यूज़ होता है. वुड का यूज़ होता है. पोलाइटनेस के लिए भी हम क्या करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं. जब हम किसी पास्ट की बात कर रहे हैं फ्यूचर में कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं. पास्ट स्टार्ट है लेकिन फ्यूचर में कंप्लीट होगी मतलब फ्यूचर में बात कर रहे हैं ना. पास्ट में भी चल रहे हैं फ्यूचर में भी चल रहे हैं तो उस सिचुएशन में भी क्या होगा वुड का यूज़ होगा. फॉर एग्जांपल इफ़ आई वुड आई गॉट अ ग्रेड आई गॉट ए प्लस ग्रेड आई वुड एडमिशन इन दैट स्कूल कि मैं अगर मुझे वहाँ पे ए ग्रेड मिलता तो मैं इस स्कूल में क्या कर सकता था एडमिशन ले सकता था. यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि अगर ए ग्रेड मिलता तो अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाता या स्कूल में एडमिशन मिल जाता. तो ऐसे सेंटेंसेस में जिसे आप पास्ट में बात कर रहे हैं तब आप वुड यूज़ कर सकते हो. ऐसे ही पास्ट टेंस की अपनी हैबिट को डिस्कस करते हैं तब भी आप वुड यूज़ कर सकते हो. लाइक इन माय चाइल्डहुड आई वुड रन फास्ट कि मैं अपने चाइल्डहुड में अपने बचपन में बहुत तेज भाग सकता था. इन माय चाइल्डहुड आई ईट मैनी ब्रेड्स मैं अपने चाइल्डहुड में बहुत सारी ब्रेड्स खा सकता था. लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ वुड. आई टोल्ड हिम दैट I would come. यहाँ पर भी पास्ट की बात हो रही है और आपने पास्ट में आने की बात की है कि मैं पास्ट में आ रहा था. ठीक है. The doctor knew that the patient would die. Again this past tense जिसमें future possibility बता रहा है कि वो शायद patient शायद मर चुका है. पास्ट में पास्ट की बात है कि पास्ट में जो डॉक्टर वो बता रहा है किसी को कि शायद डॉक्टर जो पेशेंट है वो क्या हो चुका है मर चुका है. वुड यू क्लोज द विंडो दिस इज़ द पोलाइट रिक्वेस्ट. ये भी क्या है एक पोलाइट रिक्वेस्ट. वुड यू टेल मी द टाइम यहाँ पे आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रही हो कि आप टाइम बताओगे. अगेन शो पोलाइट रिक्वेस्ट पोलाइटनेस. ही वुड पास इफ ही वर्कड हार्ड अगर वो हार्ड वर्क करता है तो पास हो जाता है. पास टेंस की बात की गई है. आई वुड नॉट लाइक टू बी ट्रीट बैडली बाई एनी वन. हेयर यू डिस्क्राइब योर बैड हैबिट ऑफ पास्ट बता रही हो कि वो अच्छे से बिहेव नहीं करता था. मैं अच्छे से बिहेव नहीं करता था. शी वुड हैव ईटन इफ शी वॉज फीलिंग वेल अगर वो अच्छा फील करती अगर वो गुड फील करती तो वो क्या कर सकती खा सकती थी. तो यहाँ पे हियर यू अगेन टॉक अबाउट पास्ट टेंस. नेक्स्ट मॉडल इज शुड. शुड इज समटाइम यूज्ड एज अ फर्स्ट पर्सन एवरीमेंट एक्विवेलेंट फॉर वुड इन द सेम वे दैट शेल कैन रिप्लेस विल. वुड इज ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्सपेक्ट और रिकमेंडेड बिहेवियर और सर्कमस्टेंसेस. It can be used to give advice or describe behavior thought without such strong obligation force as must. कि should जो है वो first person जैसे हम will की जगह would का use कर रहे थे first person की जगह या will की जगह shall की जगह हम will का use कर रहे थे first person की जगह उसी तरह हम shall की जगह हम should का भी क्या कर सकते हैं use कर सकते हैं. और shall जो है वो सर्कमस्टांसिस या फिर एडवाइस को डिस्क्राइब करने के लिए बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए थॉट्स को डिस्क्राइब करने के लिए ऑब्लिगेशंस के लिए यूज़ होता है. लेकिन जो जिस तरीके से हम मस्ट का यूज ऑब्लिगेशन
कंपैशन के लिए करते हैं, शुड का ओनली एडवाइस के लिए करते हैं, वहाँ कंपैशन नहीं होती। एग्जांपल सेंटेंसेस, यू शुड गिव अप स्मोकिंग, दे शुड बी हियर बाय नाउ, वी शुड बी लीविंग फॉर द स्टेशन, आई शुड नॉट कॉल्ड हिम फॉर नो रीज़न, दे शुड बी रेडी फॉर द इवेंट ऑन द टाइम, यू शुड डू योर ड्यूटी हियर द शो द ड्यूटी और ऑब्लिगेशन सम एडवाइस, आई शुड नॉट मिस स्कूल, दे शुड वेयर फॉर्मल क्लोथ्स फॉर असेंबली। तो हमें यहाँ पर एडवाइस दे रहे हैं कि हमें असेंबली के लिए क्या करने चाहिए, फॉर्मल क्लोथ्स वेयर करने चाहिए, हमें स्कूल मिस नहीं करना चाहिए, अपनी ड्यूटीज़ को कंप्लीट करना चाहिए, यू शुड रेडी फॉर इवेंट, तुम्हें इवेंट के लिए टाइम पर रेडी होना चाहिए, तुम्हें बिना किसी रीज़न के स्कॉल मतलब झगड़ा या लड़ाई नहीं करनी चाहिए, वी शुड बी लीविंग फॉर द स्टेशन, दे शुड बी हियर बाय नाउ, कि वो आ जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर मोस्टली हमें यही पता चल रहा है कि यहाँ पे शुड जो है एडवाइस के लिए यूज़ किया गया है। डू सम एक्सरसाइज, आई विल सेंड यू इन योर ग्रुप, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।